नमस्कार दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 से पहले उत्तर प्रदेश की प्रमुख विपक्षी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच की दरार खुलकर सामने आने लगी और साफ हो गया है कि विपक्षी इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कांग्रेस द्वारा की गई जातीय जनगणना की मांग के बीच एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सवाल उठाया है कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली पिछली सरकारों ने सत्ता में रहते हुए जातीय गणना क्यों नहीं की। अखिलेश यादव की इस टिप्पणी के बाद विपक्षी मोर्चे में शामिल दोनों पार्टियों के बीच मतभेद खुलकर सामने आ गए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की जातीय जनगणना की मांग और एक्सरे वाली टिप्पणी पर तंज कसते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि पिछली सरकारों ने अपनी दोषपूर्ण नीतियों की वजह से इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने सोमवार को एक रैली में कहा था कि जातीय जनगणना एक एक्सरे की तरह होगी जो विभिन्न समुदायों का पूरा विवरण देगी। राहुल के इस बयान पर अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस की जातीय गणना की मांग चमत्कार है। राहुल गांधी और कांग्रेस पर वार करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तो ये समस्या उसी समय हल हो सकती थी। अगर एक्सरे उसी समय हो गया होता तो परेशानी नहीं बढ़ती। उन्होंने कहा कि अब तो MRI और CT स्कैन की जरूरत है क्योंकि बीमारी बढ़ चुकी है। अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस की जातीय जनगणना की मांग करना सबसे बड़ा चमत्कार है क्योंकि ये वही पार्टी है जिसने आजादी के बाद जातीय गणना नहीं करवाई। अब अखिलेश के इस वार के बाद कांग्रेस का क्या पलटवार आता है ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। वैसे आपको बता दें कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में इस बार जातिगत जनगणना का शोर मचा हुआ है। कांग्रेस ने हर चुनावी राज्य में सत्ता में आने पर जातिगत जनगणना का वादा अपने घोषणा पत्र में तो किया ही, पार्टी की रैलियों में भी इसकी गूंज सुनाई दी। वैसे कहा यह भी जा रहा है कि BJP भी इस जातीय जनगणना कार्ड से निपटने के लिए नया फॉर्मूला तैयार कर रही है। वैसे कहा यह भी जा रहा है कि BJP भी इस जातीय जनगणना कार्ड से निपटने के लिए नया फॉर्मूला तैयार कर रही है। हालांकि वो नया फॉर्मूला क्या है ये अभी तक सामने नहीं आ पाया है। देखना होगा कि चुनावों पर इसका क्या असर पड़ता है। नमस्कार।